नमस्कार पार्टनर्स, gogoeven.com के ईवी बिजनेस में एंटर करने को आज 14 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इस 14 इयर्स के पीरियड में gogoeven.com ने जो ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस लिया है, एक्सपेरिमेंट किए हैं, एक्सपर्टाइजी हासिल किए हैं और जो नंबर ऑफ इनोवेशंस किए हैं, तो उसके बेसिस पे मार्केट में एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, उसकी थोड़ी बहुत तो समझ हमें आ चुकी है, ऐसा हम मानते हैं। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करना बाकी है, बट मार्केट में कौन से समय पे क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या बोल रही है, मार्केट में लोगों का अवेयरनेस क्या बोल रहा है, मार्केट में लोगों का एडॉप्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, बड़े मैन्युफैक्चरर्स क्या कर रहे हैं, छोटे मैन्युफैक्चरर्स क्या कर रहे हैं एंड छोटे लेवल पर क्या मार्केट में हलचल हो रही है, क्या होने वाला है, फ्यूचर क्या है, तो इसका थोड़ा बहुत अंदाजा हमें आ चुका है, आ जाता है। और उस बेसिस पे अब जो अब तक का, जो पहले से मैं बोलता था कि 2025 एक मिडल स्टेज रहेगा कि जहां से इस इंडस्ट्री का बूमिंग स्टेज शुरू होगा, 2025 तक नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हो गए, एक्सपेरिमेंटल स्टेज रहेगा इंडस्ट्री में एंड 25 जिसके लिए हम वेट कर रहे थे वो टाइम अब आ चुका है। अब हमें प्रिपेयर होना जरूरी है, अब हमें बिफोर दिस पीरियड एक 6 मंथ का पीरियड चाहिए कि 6 मंथ में हमें अपने आप को मजबूत मार्केट में अपनी नींव रख के 2025 ये साल ऐसा होना चाहिए जितना पेशेंस हमने रखा है, जितना डेडिकेशन आपने लगाया, जितना सपोर्ट आपने किया है, उस सब की भरपाई 2025 में होने वाली है। क्यों? अब वो वक्त आ चुका है, अब हम भी प्रिपेयर हो चुके हैं, मार्केट भी प्रिपेयर हो चुका है, गवर्नमेंट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। अब तक के जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे थे, पहला अवेयरनेस ना होने की वजह से लोगों को पुराने गाड़ी को कन्वर्ट करने में प्राइस ज्यादा लग रहा था, हालांकि वो प्राइस ज्यादा है नहीं बट अवेयरनेस नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। जिसने नया व्हीकल लेके यूज किया, 1.5 साल यूज किया, उसने प्रॉब्लम्स फेस की है, स्पेयर पार्ट नहीं मिलते, सर्विस नहीं होता है, स्टर्डीनेस नहीं है, गाड़ी जल्दी खराब हो जाती है, अब उसने मूड बनाया है कि अरे ये गाड़ी नहीं चाहिए, अब नई वाली, कितने भी खूबसूरत दिखती हो, कितना भी ऐप हो, कुछ भी हो, अब मेरी जो पुराने वाली गाड़ी है उसको क्या कर सकते हैं। अब वो उसको समझ में आया जिसने यूज किया, जिसने यूज ही नहीं किया उसको नहीं समझ में आया और ना ही आएगा, क्योंकि हमेशा इंसान अपने एक्सपीरियंस से ज्यादा दूसरों के इस पे, और उसने देखा नहीं है आजू बाजू वाले किसी को ईवी में कन्वर्ट करके सैटिस्फैक्टरी यूज कर रहा है, क्योंकि अभी तक एडॉप्शन उतना नहीं है। तो अब जो हमारा मेन जिम्मेदारी बनता है कि इसका एडॉप्शन रेट को बढ़ाना, एडॉप्शन बढ़ाने के लिए अब क्या करना चाहिए, कुछ चीजें हमने प्रिपेयर की है वो आप लोगों के साथ में मैं शेयर करता हूं। और इसके ऊपर जैसे ये प्रिपरेशन हो रहा है तो उस प्रिपरेशन के साथ में आपके कुछ पॉइंट्स है, आपके कुछ सजेशंस है, कुछ इम्प्रोवाइजेशन आपको लगता है और ये इस तरीके से जाएंगे तो और इम्प्रोवाइज हो सकता है, तो वो सभी सजेशंस आपके वेलकम है, मतलब वो कंसिडर किए जाएंगे, उसमें से सबके लिए बेटर अगर कुछ आइडिया है आपके पास में तो उसको भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब जो मेन जो चैलेंज नहीं कहेंगे, सिचुएशनल ये था कि उसको कैसे हम प्राइस को हैंडल करें, क्वालिटी, सर्विस, परफॉर्मेंस, इसके बारे में कोई मार्केट में डाउट नहीं है, आप भी खुद व्हीकल्स यूज कर रहे हैं, आपने भी लोगों को दिए, सर्विस के बारे में, क्वालिटी के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में कुछ रहेगा तो भी हम प्रिपेयर हो चुके हैं कि वहां पे कस्टमर को सेटिस्फाइड रख सकते हैं। अब मैटर आता था प्राइस के ऊपर, तो प्राइस का हमने वर्कआउट करके अब एक्टिवा का किट पूरा 50,000 प्लस जीएसटी में कैसे कस्टमर को दे सकते हैं उसके ऊपर हमने काम किया, देन बाइक का किट 90,000 प्लस जीएसटी में कैसे दे सकते हैं उसके ऊपर काम किया और वो एक अचीवमेंट कर ली कि 50,000 में एक्टिवा कन्वर्ट हो सकती है एंड 90,000 में मोटरसाइकिल कन्वर्ट हो सकती है। जीएसटी इसमें आज के डेट में 18% है, तो जीएसटी का प्राइस तो थोड़ा ज्यादा लगेगा ही कस्टमर को, क्योंकि अब गवर्नमेंट को हम भी पुश कर रहे हैं, गवर्नमेंट के मीटिंग्स भी हो गए जिसमें सबने ये रेकमेंड किया है कि जैसे नए व्हीकल को 5% है तो कन्वर्जन को भी 5% में आना चाहिए, उसके ऊपर हो सकता है फेम 3 का जो पॉलिसी है उसमें कन्वर्जन के लिए सब्सिडी भी अनाउंस हो जाए, जीएसटी भी 5% हो जाए जुलाई में जब इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वहां से
हो सकता है जो डिमांड सामने रखे, जिस लेवल पे हम फाइट कर रहे हैं, तो वो इमिजिएटली इम्प्लीमेंट हो जाए, पॉसिबिलिटीज है। तो सब्सिडी, जीएसटी रेट कम करना, एंड जो आरटीओ के प्रोसेसेस है उसको और स्मूथ करने के लिए क्या किया जा सकता है, कैसे गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है। तो ये तीनों मेजर पॉइंट्स हमने सामने रखे हैं, एंड इन पॉइंट्स के ऊपर अभी गवर्नमेंट का कॉल है, वो हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, जितना फाइट करना है हम कर सकते थे उतना हमने किया है, एंड वेट करते हैं उसके लिए। बट अब वेट करने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट का, या पब्लिक अवेयरनेस का, या लोगों के एक्सेप्टेंस का, या दूसरा कोई आके करेगा और फिर हम बिजनेस करेंगे और पैसा कमाएंगे और बढ़ेंगे, तो इसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए अब हम अपने दम पे, अपने लेवल पे, अपने डिसीजन पे, अपने कैपेसिटी पे, अपने मेहनत पे कैसे मार्केट को एक्वायर करने के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर जो एक प्लानिंग हमने बनाया है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अब इस प्लानिंग में इंडिया में हम लोग अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ टू व्हीलर्स बहुत ज्यादा है। क्यों हम टू व्हीलर पे फोकस करें? क्योंकि कन्वर्जन किट थ्री व्हीलर के भी डेवलप्ड है, फोर व्हीलर के भी है, बट अब हम पूरी तरीके से फोकस्ड है टू व्हीलर ईवी कन्वर्जन में। जब तक टू व्हीलर को पूरे तरीके से फुल फ्लेज सक्सेसफुल नहीं करते हैं, तब तक हम दूसरे इस पर डाइवर्ट नहीं होंगे। तो आज के डेट में हम सबके लिए एक ही काम है, टू व्हीलर ईवी कन्वर्जन किट को हिट करना, टू व्हीलर ईवी कन्वर्जन किट को मार्केट में इस लेवल पे गोगो एवन के एक्सेप्टेंस को और एक्विजिशन को पहुंचाना कि जहां से जो हम चाहते हैं, जो लेवल चाहते हैं, वो आपकी अचीव हो जाए, गोगो एवन की अचीव हो जाए, एंड एक गुडविल नेटवर्क सब इस्टेब्लिशमेंट हो जाए। और फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए देन नेटवर्क रेडी है, इस्टेब्लिशमेंट रेडी है, गुडविल है, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट इस्टेब्लिश होना कोई मुश्किल बात नहीं होती है। तो सबसे पहला अब हमें जो करना है, ओनली वन प्रोडक्ट यानी वन सेगमेंट, टू व्हीलर ईवी कन्वर्जन, ओनली टू व्हीलर ईवी कन्वर्जन। कब तक? जब तक एक ऐसे फुल पावरफुल वे में मार्केट में इस्टेब्लिश नहीं होता है, तब तक कुछ डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना है, कुछ फोकस को हटाना नहीं है। एक्टिवा कन्वर्जन किट, मोटरसाइकिल कन्वर्जन किट। अब एक्टिवा एंड मोटरसाइकिल के हीरो होंडा, हीरो एंड होंडा तो है ही। अब उसका थोड़ा सा एक बार इस्टेब्लिशमेंट हो गया, फंडिंग रोटेशन में आना शुरू हुआ, तो बजाज टीवीएस का भी अप्रूवल करवा लेते हैं, क्योंकि प्रोसेसेस तो अब सब पता है, बाकी लिंक तो सब बिल्ट हो चुका है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि बार बार उतना इन्वेस्टमेंट वहां पे भी डालेंगे तो वहां से रिकवरी भी आना चाहिए ना। जैसे आप बोलते थे कि पहले स्प्लेंडर का ये अप्रूवल तो आने दो, फिर खाली स्प्लेंडर का ही है और मॉडल का तो आने दो, फिर एक्टिवा का तो आने दो, बट वो हर चीज के लिए पैसा कितना लगता है, थोड़ा इसके बारे में भी सोचो, एफर्ट्स कितना लगता है, और उसको वैलिडिटी है, 3 साल ही वैलिड होता है, उसके बाद फिर से रिन्यूअल करना है, फिर से पैसा लगने वाला है। तो इसीलिए अब जो मोर देन 50 मॉडल्स तो हमारे हाथ में है, उसके ऊपर हम इस्टेब्लिशमेंट शुरू कर सकते हैं, एंड रोटेशन में आने तो पूरा एक बार फ्लो स्टार्ट हो गया, क्योंकि ऐसे फंड्स जो रनिंग फंड्स है बिजनेस के, वो वहां पे ब्लॉक नहीं होने चाहिए, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में नहीं जाने चाहिए। लाइसेंसिंग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो वहां पे जो एक्सेस फंड्स आ रहे हैं तो वो अपन वहां पे डाल सकते हैं, जो रनिंग कैपिटल है वो रनिंग में ही रखते हैं। अब यहां पे नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं मार्केट में, जनरली आप देखेंगे तो हर साल अराउंड 23 लाख व्हीकल्स इंडियन मार्केट में बिकते हैं। कितने? हर साल अराउंड 22 to 23 लाख टू व्हीलर्स इंडियन मार्केट में बिकते हैं, और ये आज से नहीं, जमाने से होते आ रहे हैं। अब 20 लाख भी कंसिडर करते हैं और पिछले 15 साल के, तो भी 2 करोड़ के ऊपर व्हीकल, ज्यादा हो सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ टू व्हीलर्स कितने हैं रोड पे? तो 2020 का एक सर्वे हुआ था, सब आरटीओ से जो रजिस्टर्ड व्हीकल्स है उनका डाटा लिया था, उसमें 32.63 करोड़ व्हीकल्स रजिस्टर्ड है इंडिया में। ये 2020 का डाटा है, उसके बाद में 4 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, उसमें भी व्हीकल्स नए बिके, तो वो भी कंसिडर करते हैं, तो 32.63, और उसमें का 75% टू व्हीलर्स है। कितना? 70.5% टू व्हीलर्स है,
32.63 करोड़ में 75% यानी लगभग 24 करोड़ टू व्हीलर्स ऑलरेडी रोड पे हैं। ये 2020 का डाटा है, उसके बाद वाला और बड़ा होगा। तो 24 करोड़ में से मेजोरिटी मॉडल जो है पुराने, अगर आप देखोगे तो हीरो होंडा के हैं, हीरो के हैं, होंडा के हैं। देन एक्टिवा, जब स्कूटर पॉपुलर हुआ तो एक्टिवा के बहुत सारे मॉडल्स हैं पुराने इसमें में, एक्टिवा के लेटेस्ट इसमें 5 साल में 7 साल में आपको बाकी ब्रांड्स भी दिखेंगे। मतलब मेजोरिटी अगर हम देखेंगे तो एक्टिवा हीरो होंडा का काउंट बहुत बड़ा है। और इस काउंट को अब हमें इस लेवल पे काम करना है कि अब कोई भी व्हीकल छूटना नहीं चाहिए, अब हर व्हीकल में गोकोई वन का किट लगना चाहिए। अब आपके एरिया में भी उसका वॉल्यूम अच्छा है, अब ये जो वॉल्यूम है, बाकी टेंशन आप मत लो कि नंबर ऑफ मॉडल्स कैसे आएंगे, सभी बाकी के बचे हुए भी कब अप्रूव होंगे, तो वो प्रोसेस में हम हैं। अभी जो हाथ में है उसको इस्टेब्लिश करना और उसको एक्वायर करना, क्योंकि आप जुड़े हैं। एक बात को ध्यान में रखो, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जब आप काम करते हैं ना, 2-5 साल का विजन रख के नहीं चल सकते, आपको मिनिमम 15-20 साल के विजन से चलना होगा। भले आपने फ्रेंचाइजी शुरू की हो, भले आपने कन्वर्जन सेंटर शुरू किया हो, भले आप एसोसिएट बने हो, कुछ भी बने हो, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में व्हीकल रिलेटेड काम में अगर आप जुड़े हो तो कम से कम 15-20 साल का विजन रख के चलना होगा। और 1-2 साल में, 4 साल में अगर आप हड़बड़ा गए इंडस्ट्री में, जो अभी नए इलेक्ट्रिक व्हीकल जितने लोगों ने शुरू किए थे, कितने परसेंट बचे गए ना 2-3 साल में, तो लिमिट खत्म हो गया, उनका विजन भी खत्म हो गया। मतलब थोड़ा सा तकलीफ होने लगता है तो भाग जाता है, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है, फिर ना आप सक्सेसफुल, सक्सेस भूल जाओ, नुकसान में ही जाने वाले हैं, क्योंकि तब तक जो खर्चा किया तब तक इसको टाइम तो लगेगा ही ना। लॉन्ग टर्म विजन से काम कर रहे हैं तो टाइम तो लगेगा ही, और उसमें गोगोई वन आपके साथ में है ना, आप क्यों डर रहे हैं? जो आपका अप्रूवल, मतलब जो एग्रीमेंट गोगोई वन के साथ में आपने किया हुआ है, 5 साल का एग्रीमेंट है, अगर 5 साल में आप पैसा नहीं कमाते हैं तो नेक्स्ट रिन्यूअल हम दे रहे हैं ना, उसके लिए थोड़ी आपको पैसा मांग रहे हैं। जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं होते हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो आप टेंशन मत लो। हम सिर्फ अपने फायदे के लिए अपना सोच के नहीं काम कर रहे, एक रिवोल्यूशन क्रिएट करना, एक क्रांति लानी है। जो इतने साल हम मेहनत कर रहे हैं, आज 14 साल कंप्लीट हो गए, ये 14 सालों में क्या हमने बहुत कमाया होगा या क्या हमने बहुत अलग ये किया होगा? बट ये डेडिकेशन, ये पेशेंस, ये हार्ड वर्क, ये फ्यूचर बिल्ड कर रहा है ना सिर्फ हमारा, हम सबका, और उसके साथ में देश का भी। और उसके लिए और भी 5 साल, हमारे लेवल से तो हम तैयार है, और भी 5 साल, और भी 10 साल, अगर ये बड़ा एक रिवोल्यूशन क्रिएट होने के लिए डेडिकेशन से देने पड़े ना, तो भी हम देने के लिए तैयार है। बट उसमें आपका भी साथ चाहिए। जब साथ में हम चलते हैं, साथ में बोलते हैं कि हम एक ही मिशन में हैं, और वहां पे एक टायर अगर पंचर होता है तो वो व्हीकल को भी इफेक्ट आता है, एंड आपका भी अस्तित्व उस डायरेक्शन का खत्म हो जाता है। हाँ, भले आप दूसरा कुछ बिजनेस करके बहुत पैसा इससे ज्यादा भी कमा सकते हो, आपके पास वो एक्सपर्टाइज हो सकती है, या इलेक्ट्रिक में भी दूसरा कुछ करके कर सकते, बट जो आपने एक दिन डिसीजन लिया था, सोचा था, और जो ये एक्शन लिया जिस दिन जुड़े थे आप गोगोई वन के साथ में, तो कुछ तो सपना देखा होगा, कुछ तो डिसाइड किया होगा, कुछ तो खुद पे कॉन्फिडेंस होगा, कुछ तो गोगोई वन पे कॉन्फिडेंस होगा, तो आज थोड़े बहुत सिचुएशन इधर उधर होने से क्यों डगमगा जाता है वो? मतलब वो अगर हम फर्म है अपने डिसीजन पे, तो कोई भी सिचुएशन हमें नहीं हिला सकती है। लाइफ है, ऊपर नीचे होता रहेगा। आज तक नहीं हुआ है क्या? सबकी लाइफ स्मूथ थी, आपकी भी थी? नहीं है ना, बहुत सारे चैलेंजेस को भी आपने भी फेस करके ओवरकम किया हुआ है, तो आज भी वही कर रहा है। तो अब टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, अब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो हम आते हैं डायरेक्टली पॉइंट पे कि क्या करें, क्या करना है। अब ऑलमोस्ट 24 करोड़ टू व्हीलर्स है, मतलब 15 साल के भी हम पकड़ते हैं, ज्यादा ही है उससे, तो अगले 15 साल तो हमारे हाथ में कन्वर्जन के लिए गाड़ियां हैं। आज नई पेट्रोल गाड़ी बिक रही है, मतलब 15 साल तो उसका लाइफ है। जब 15 साल का उसका लाइफ है, मतलब 15 साल तो हमारे हाथ में टू कन्वर्जन करने के लिए गाड़ियां है। भले वो आज नहीं करेगा, जब स्क्रैपिंग में 15 साल बाद जाना पड़ेगा तब तो करेगा या नहीं? हाँ, अब पैरेलली दिमाग में आया होगा, नहीं लेकिन कितने का होगा कन्वर्जन, पता था।
अगर उसको फ्री में ही मिले तो करेगा या नहीं? हाँ तो फ्री में भी दे सकते हैं, वो टेंशन मत लो। आगे चलते हैं। तो जो कन्वर्जन करना है मतलब 24 करोड़ व्हीकल्स को 10% तो कर सकते हैं ना सब मिलके। अब 10% जो करना है तो भी 10 साल में, अगले 10 साल में, 15 साल में 10% भी कर लिया तो भी बहुत हो गया, सबकी नैया पार हो जाएगी। 1% भी करो तो भी सबकी नैया पार हो जाएगी। कैसे आते हैं उस पॉइंट पे? अब जो चैलेंज आप फेस कर रहे हैं या हम फेस कर रहे हैं कि जब 50,000 देना, 50,000 तो 50% हो गया सीधा, 1 लाख में नंबर प्लेट वाला गाड़ी आता है, ये 50,000 में हो रहा है। बट फिर भी आज जेब से 50,000 जब डालना है तो नई गाड़ी पे लोन हो जाता है, कन्वर्जन पे लोन नहीं होता है। तो जब नई गाड़ी पे लोन होता है तो 2-5 हज़ार पे करके वहाँ पे गाड़ी आ जाती है। जब वो गाड़ी आ जाती है तो वो 2 साल चलेगा, मोबाइल जैसा हो गया कि चलो ठीक है टेक्नोलॉजी है, यूज करो, फेंक दो, फिर नया ले लो। बट व्हीकल में अभी तक उतना लेवल पे माइंडसेट वो चेंज नहीं हुआ है जैसा मोबाइल में हुआ है। व्हीकल को 1-2 साल बाद वो चेक कर रहा है कि अब चल रही है नई गाड़ी, अब क्या सिचुएशन है, और फिर वो डीलर को तकलीफ दे रहा है या फिर कंपनी को तकलीफ दे रहा है या फिर खुद को ये कर रहा है या इंडस्ट्री का नाम खराब कर रहा है। तो ये सब कुछ हो रहा है, ये तो होते रहेगा क्योंकि फेजेस वैसे है। तो वो नया व्हीकल लेके कुछ सेटिस्फाइड है ऐसा नहीं है। उसके सामने दो बड़े चैलेंज है, स्पेयर पार्ट का आज आ रहा है, रिपेयर कोई नहीं कर रहा है, वो चैलेंज उसको आ रहा है। कंपनी के पास भेजो तो वहाँ पे उसको 15-15 दिन, 1-1 महीना पार्ट्स नहीं मिल रहे, गाड़ियाँ खड़ी है पार्ट तो इतना कॉस्टली है कि लोग फिर उसको कन्वर्ट करने में ये कर रहे हैं, मतलब वो पार्ट का प्राइस पे करने में हिचकिचा रहे हैं। तो ये सब इश्यूज है मार्केट में। फिर भी हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कस्टमर का कि मैं फिर नया व्हीकल क्यों ना लूं, बराबर है। दूसरा आता है कि ऑल टुगेदर आपका जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा लग रहा है। बहुत ज्यादा है नहीं, आपको भी पता है, हमें भी पता है, मार्केट को भी पता है। बट वो जब खुद वो प्राइस ज्यादा नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है मेरे जेब में आज उतने पैसे नहीं है, मैं तुरंत पे नहीं कर सकता, लोन देते हो क्या, मैं लेने के लिए रेडी हूं। अब लोन कन्वर्जन पे देने के लिए बैंक्स उतने लेवल पे प्रिपेयर नहीं है क्योंकि उनको गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं है कि आप पुराने व्हीकल को कन्वर्ट किया है तो पुराने व्हीकल को कंसिडर करके आप किट के ऊपर लोन दे दो, पर्सनल लेवल पे या जैसे। तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं कि बैटरी पे कैसे लोन हो सकता है, भले किट पे नहीं हुआ, किट का कॉस्ट कस्टमर पे करेगा, बैटरी पे ये हो सकता है। मतलब पहले जिसके पास पैसा है, जिसके पास समझ है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, आज वो ना नहीं बोल रहा है, वो किट खरीद रहा है, लगा रहा है, आरटीओ में रजिस्टर कर रहा है, वो बढ़िया तरीके से चल रहा है, वो सेटिस्फाइड है, जिसके पास सब है। जिसके पास नहीं है, अब बात आती है जिसके पास नहीं है उसकी। अब जिसके पास नहीं है तो बैटरी पे लोन करके दे सकते हैं, तो देखते हैं बैटरी पे लोन अवेलेबल इजीली कैसे हो सकता है, जैसे बजाज फाइनेंस दूसरे स्कूटर्स के लिए ये करते हैं, बाकी और बैंक्स है, या फिर प्राइवेटली कुछ हो सकता है कि वो एक मतलब एक ऑप्शन ये होगा। थर्ड थिंग, हम लोग अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे भी अपने किट्स को अपलोड कर रहे हैं, बैटरीज को अपलोड कर रहे हैं, वहाँ से भी लोगों को इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज मिलता है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पे, वहाँ से भी उनको वो फैसिलिटीज। अब वहाँ पे फैसिलिटी लेना है तो उनका जो भी कमीशन रहेगा, चार्जेस रहेगा, वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, लोग करेंगे। तो वहाँ से हम ये कर सकते हैं कि ठीक है आप अमेजॉन पे ऑर्डर डालो, किट हम देंगे, बाकी का जो पेमेंट प्रोसेस है उनको कर दो और फिर वो पेमेंट हमें आएगा अमेजोन के थ्रू। बट वहां से लोन का जो डेबिट क्रेडिट कार्ड जो जितने अमेजोन के साथ में टाइप है, और अगर कस्टमर एलिजिबल है तो उसका लोन प्रोसेस वहां से भी हो सकता है। gogoeven.com के साइट पे भी है, अभी HDFC बैंक का डेबिट कार्ड का है, बाकी सभी क्रेडिट कार्ड का है, वो सभी ऑप्शन gogoeven के वेबसाइट पे ऑलरेडी है। खाली कुछ कंपनीज के अमेजोन के साथ में ज्यादा टाइप्स है तो वो वहां पे एडिशनल मिलेंगे। gogoeven के ऊपर सभी क्रेडिट कार्ड्स है, HDFC डेबिट कार्ड है, तो उसके ऊपर भी इंस्टॉलमेंट हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम वो नहीं है। फिर gogoeven से कुछ भी परचेस करे वो इंस्टॉलमेंट करवा सकता है, मतलब आप। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि जिनका क्रेडिट स्कोर ही ठीक नहीं है, बैंक उनको खड़ा ही नहीं करती है, या उनका अभी उतना ये बचा नहीं है, तो उस केस में क्या करे? तो हम इतना एक्सरसाइज करके ये नहीं करना चाहते, तो एक पूरा अब मार्केट एक्विजिशन के हिसाब से प्लानिंग करके उतरते हैं। अब ध्यान से सुन लेना, अब एज ए कस्टमर आप सोचो, एज ए
कस्टमर आप सोचो,